हेलो फ्रेंड्स गुड मॉर्निंग हाउ आर यू आई होप यू ऑल आर फाइन आई वेलकम यू इन द प्रेजेंटेशन ऑफ क्लास नाइन मैथमेटिक्स योर चैप्टर नंबर सिक्स इज अ ट्राइंगल यू हैव स्टडीड अबाउट द ट्राइंगल एंड देयर आर वेरियस प्रॉपर्टी इन योर अर्लियर क्लासेस आप लोगों ने उसके पहले प्रीवियस यानी कि क्लास एट में ट्राइंगल और ट्राइंगल की प्रॉपर्टी आप लोग ऑलरेडी पढ़ चुके ओके तो वट इन बाय ट्राइंगल तो ट्राइंगल क्या होता है ट्राइंगल इज अ इट इज अ क्लोज फिगर ट्राइंगल एक बंदिस्त आकृति होती है ट्राइंगल इज अ क्लोज फिगर फॉर्म बाय थ्री इंटरसेक्टिंग लाइन इज कॉल्ड ट्राइंगल ट्राइंगल क्या होता है इट इज अ क्लोज फिगर फॉर्म बाय थ्री इंटरसेक्टिंग लाइन तीन इंटरसेक्टिंग एक दूसरे को छेदने वाली तीन लाइन से जो बंदिस्त जो आकृति बन जाती है उस फिगर को बोलते हैं ट्रायंगल जैसा कि अभी ये ये फिगर में दर्शाया गया है कि एक लाइन है ए बी ए बी एक लाइन है दूसरी आपकी ये बी से तीसरी ये ए सी ये तीनों लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं और उसके बाद आपको ये क्लोज फिगर मिल गए एंड दिस फिगर इज कॉल्ड ट्रायंगल एंड दिस इज योर ट्रायंगल ए बी सी दिस इज योर ट्रायंगल ए बी सी ओके

Another is BC, third is AC. So triangle has three sides AB, BC, CA are the three sides. Okay? Now triangles have also three angle. This is your angle A. We can write single letter में आप लोग इसको angle A बोल सकते हैं. ये angle three letter में भी बोलना है तो हम लोग इस angle को BAC बोल सकते हैं या इसी को हम लोग angle CAB भी बोल सकते हैं. ओके थ्री लेटर में या सिंगल लेटर में एक ही एंगल हम लोग थ्री बार लिख सकते हैं तो ये आपका एंगल ए इसको आप लोग एंगल ये बी ए सी या सी ए बी इसी तरह एक एंगल हम लोग थ्री टाइप्स में लिख सकते हैं तो दिस इज वन ऑफ द एंगल ये आपका एक एंगल हो गया दूसरा आपका एंगल है एंगल बी ये ए एंगल आपका फिगर में एंगल बी ए इसको थ्री लेटर में बोल सकते आप लोग ए बी सी या एंगल सी बी ओके, सो दिस इज योर सेकंड एंगल थर्ड एंगल इज योर एंगल सी एंगल सी या इसको आप लोग ए सी बी बोल सकते हैं या एंगल बी सी ए बी बोल सकते हैं सो सो ट्रायंगल हेव थ्री एंगल्स एंगल सिंगल लेटर में आप लोग एंगल ए एंगल बी एंगल सी तो ट्रायंगल को तीन एंगल होते हैं, थ्री एंगल्स एंड दिस पॉइंट ए

उसका यूज करके हम लोग अभी और प्रूफ पढ़ने जा रहे हैं ओके वी विल नो सम सम ऑफ देम। से लोग हम लोग पढ़ने जा रहे हैं ओके नाउ व्हाट इज बाय कॉन्ग्रेंस कॉन्ग्रेंस ऑफ ट्राइंगल कॉन्ग्रेंस ऑफ ट्राइंगल क्या होता है यू हैव ऑब्जर्व दैट टू कॉपीज ऑफ योर फोटोग्राफ्स आप लोग आपके दो फोटोग्राफ्स लीजिए ऑफ द सेम साइज ये आर आइडेंटिकल आपके दो फोटोग्राफ सेम साइज के वो कैसे होते हैं आइडेंटिकल होते हैं सिमिलरली टू बैंगल्स ऑफ द सेम साइज आप लोग की बैंगल्स से जो सेम साइज के लीजिए टू एटीएम कार्ड्स बाय द सेम बैंक दो एटीएम कार्ड सेम बैंक के लीजिए ये कैसे होते हैं आइडेंटिकल होते यू मे रिकॉल दैट ऑन प्लेसिंग वन रुपीज कॉ ऑन अनदर द सेम इवर्ड ईच अदर कंप्लीटली क्या होता है यदि हम लोग कोई भी दो कॉइन सेम ईयर में जो प्रोड्यूस किए गए गवर्नमेंट ने जो दो कॉइन निकाले ये यदि एक दूसरे के ऊपर यदि रखते हैं तो वो एक दूसरे को एग्जैक्टली exactly कवर करते हैं जैसे कि अभी ये फोटोग्राफ्स है ये फोटोग्राफ्स हम लोग यदि एक दूसरे को कवर करेंगे देखिए ये देखो नीचे से जा रही है तो ये पहली वाली फिगर को एग्जैक्टली exactly कवर किया है तीनों फिगर में ये फोटोग्राफ्स आप लोगों ने देखा है अभी फिर से देखिए ये फोटोग्राफ्स आई वुड लाइक टू सी अगेन ओके फिर से देखिए ये फोटोग्राफ्स है ऊपर वाला फोटो और नीचे वाला दोनों भी सेम आइडेंटिकल फोटो है यदि हम लोग नीचे वाला फोटो ऊपर वाले फोटो के ऊपर यदि रखते हैं तो क्या होता है देखिए देखिए ये फोटो जा रहा है तो वो पहला वाला फोटो को एग्जैक्टली कवर कर रहा है, है ना उसी तरह ये सर्कल देखिए पहले सर्कल ये वाला सर्कल को दूसरा वाला सर्कल एग्जैक्टली कवर कर रहा है उसी तरह ये ये कार्ड्स है भी एक दूसरे को एग्जैक्टली कवर कर रहे हैं सो दैट दिस टू फिगर्स 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 आर आर आइडेंटिकल है ना एंड सच कॉल्ड फिगर तो ऐसे जो फिगर होते हैं उनको बोलते हैं कांग्रेन अब ये दोनों फोटोग्राफ से एक दूसरे को एग्जैक्टली कवर क्या है इसका मतलब दोनों का सेप और साइज सेम है सर्कल का भी सेप सेम है दोनों सर्कल है और साइज सेम रेडियस है तो इसलिए ये एक दूसरे को एग्जैक्टली exactly कवर कर रहे हैं उसी तरह है ये आपका एटीएम कार्ड का साइज दोनों इन द सेम रेक्टेंगल फॉर्म में और दोनों का लेंथ एंड ब्रेड विषय में इसलिए वो एग्जैक्टली exactly कवर कर रहे हैं सच फिगर्स आर कॉल्ड कांग्रेन फिगर तो इससे हम लोग कॉन्ग्रंट की डेफिनेशन कर सकते हैं कांग्रेन मीन्स इक्वल इन ऑल रिस्पेक्ट इक्वल इन ऑल रिस्पेक्ट यानी कि लेंथ ब्रेड या रेड जो भी इन फिगर हुज एंड साइज आर सेम इसका दोनों का सेम होना चाहिए सेम रेडियस एंड प्लेस वन ऑन द अदर दे कवर इच ऑदर कंप्लीटली एंड वी कॉल देम एज अंग्रंट सर्कल हमने प्रीवियस देखा है कि दो सर्कल पहला सर्कल को दूसरा वाला सर्कल एक्टली कवर किया था आपने देखा है इसका मतलब दोनों का रेडियस सेम है और सेम भी सेम है सर्कल के फॉर्म में इसलिए वो दोनों एक दूसरे को एक्सैक्टली कवर कर रहे हैं सो देर फोर दि टू सर्कल्स आर कॉन्ग्रट तो हमने पहले जो देखा थे वो सर्कल कॉन्ग्रंट है उसी तरह वो दो फोटोग्राफ कॉन्ग्रंट है और बाद में दो एटीएम कार्ड है वो भी कॉन्ग्रंट है ओके रिपीट दिस एक्टिविटी बाय प्लेसिंग वन स्कोर ऑन द अदर एक स्क्वायर ऑन विथ साइड ऑफ द सेम मेजर सेम मेजर वाले दो स्क्वायर हम लोग क्या करेंगे एक दूसरे को कहोर होते देखते हैं अभी इस फिगर में देखिए उसी तरह ये इक्वलाटर ट्रायंगल है दोनों ये भी एक दूसरे के ऊपर हम लोग रखते हैं ओके इक्वलैटर ट्रायंगल्स ऑफ द इक्वल साइड्स ऑन ईच अदर ये भी एक दूसरे के ऊपर हम यू विल ऑब्जर्व दैट देखिए क्या हम ऑब्जर्व करते हैं तो ये पहला वाला स्क्वायर के ऊपर दूसरा वाला स्क्वायर जो एग्जैक्टली exactly कवर किया है इसका मतलब दोनों का सेप भी सेम है साइज भी सेम है देखिए ट्राइंगल ये ट्राइंगल भी एक दूसरे को एग्जैक्टली exactly कवर कर रहे तो दैट मीन्स स्क्वायर एंड बोथ ट्राइंगल्स आर कॉम्रंट टू ईच अदर सो दिस आर कॉम्रंट ओके नाउ अगेन कॉम्रंट फिगर मींस

दोनों भी ट्रायंगुलर फॉर्म में होना चाहिए दोनों का साइज जो साइड से करस्पॉन्डिंग साइड इक्वल होना चाहिए देन दिस इसका मतलब दोनों का सेप सेम है साइज सेम सो दैट्स वाई दिस टू ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रेंट ओके तो कॉन्ग्रेंट फिगर मीन्स टू फिगर्स हैव सेम सेप एंड साइज सेम सेप एंड सेम साइज आर बोथ सेप्स एंड साइज बोथ आर द सेम आर कॉल्ड कॉन्ग्रेंट फिगर दोनों का सेप और साइज सेम होता है दोनों में से एक नहीं चाहिए दोनों चाहिए फिगर फॉर एग्जाम्पल टू सर्कल ऑफ सेम रेडियस आर कॉम्रंट दो सर्कल है हमने पहले प्रीवियस देखा हमने कि दो सर्कल एक दूसरे को एग्जैक्टली exactly कवर कर रहे थे इसका मतलब दोनों का रेडियस सेम है और वो कॉम्रंट है तो टू सर्कल ऑफ सेम रेडियस आर कॉम्रंट सेकंड एग्जांपल टू इक्वलैटर ट्रायंगल ऑफ सेम लेंथ आर कॉमर दो इक्वल ट्रायंगल दोनों का साइड सेम है तो वो भी एक दूसरे को एग्जैक्टली कवर करते हैं सो दैट मींस दे आर आल्सो कॉम्रन टू स्क्वायर ऑफ ऑफ लेंथ लेंथ साइड साइड्स आर इक्वल देन दे आर कॉमर टू स्क्वायर ऑफ लेंथ इक्वल साइड्स इक्वल साइड्स इक्वल साइड्स आर कॉमर ऐसे दो स्क्वायर जिनका साइड सेम है इक्वल है ऐसे दो स्क्वायर कॉम्रन होते हैं सो दिज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ कॉन्ग्रंट फिगर तो हमें कभी कभी वन मार्क्स ले आ सकता है द एग्जाम्पल एनी टू एग्जाम्पल ऑफ कॉन्ग्रंट फिगर तो हम लोग इसी में से कोई भी एग्जाम्पल दे सकते हैं और और दूसरा भी दे सकते हैं नाउ फॉलोइंग स्क्वायर नॉट स्क्वार अभी ये जो नीचे दिए गए स्क्वायर स्क्वायर की फिगर है एक्स से लेके फोर फोर फिगर निकालिए दिस इज योर फर्स्ट सेकंड थर्ड एंड फोर्थ ऑल आर इन द शेप ऑफ स्क्वायर उनका सभी का शेप सेम है स्क्वायर शेप में आर नॉट कॉग्रंट ये ये कांग्रेट बोल सकते कि आप लोग ऑब्जर्वेशन से बोल सकते कि क्योंकि सेम तो सेम है लेकिन साइज उनकी अलग अलग है यदि एक स्कोर हम लोग ये पहला स्कोर यदि सेकंड स्कोर के ऊपर रखते हैं तो ये पहला स्कोर सेकंड को एग्जैक्टली कवर करेगा क्या नहीं ऑब्जर्वेशन से हम बोल सकते हैं नॉट कवर उसी तरह सेकंड थर्ड को एग्जैक्टली कवर नहीं कर सकता है या वो फोर्थ को भी एग्जैक्टली नहीं कवर कर सकता है सो इसका मतलब उनका सभी का साइज जो है डिफरेंट है अलग अलग है

एंड सेम साइज यदि ये दोनों सेटिस्फाइड करती है कोई भी दो फिगर तभी हम लोग फिगर को कॉम्ब्रिगर बोल सकते हैं अदरवाइज नॉट कॉम्ब्रंट करेक्ट सिर्फ एक ही कंडीशन सेटिस्फाइड अभी देखिए यह फिगर जो इनका सभी का सेप सेम है लेकिन साइज अलग है इसलिए कॉम्ब्रंट नहीं है ओके okay? अभी सपोज ये एक रोमबस है सपोज दिस इज योर रोमबस इसका भी साइड सपोज थ्री इसका भी थ्री तो ये दोनों को हम कॉम्रंट बोल सकते क्या नहीं क्योंकि उनका सेप अलग है साइज ठीक है सेम है साइड साइड का लेंथ सेम है लेकिन ये स्क्वायर है ये रोमबस है सो दिस टू फिगर्स आर आल्सो नॉट अ कॉम्ब्रंट फिगर तो कॉम्रंट होने के लिए ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाइड करनी चाहिए विच आर टू कंडीशन बोथ टू फिगर्स बोथ आर इक्वल बोथ इक्वल होना चाहिए अभी जैसा जनरल हमने कांग्रेन के बारे में बोल दिया कि यदि तो उसी तरह कांग्रंट ट्राइंगल के बारे में क्या बोलेंगे इफ द साइड एंड एंगल ऑफ वन ट्राइंगल आर इक्वल टू

ये एक दूसरा ट्रायंगल है पी क्यू आर इसमें ए बी और पी क्यू की साइड ए बी और पी क्यू सेम है उसी तरह बी सी और क्यू आर सेम है एंड ए सी इज सेम एज पी आर ये आइडेंटिकल साइन दिखा इसका मतलब सेम उसी तरह एंगल ए इज इक्वल टू एंगल पी एंगल बी इज इक्वल टू एंगल क्यू ए एंड दिस एंगल सी इज इक्वल टू दिस एंगल आर ए

two triangles are congruent if the sides and angle sides and angle both of one triangle are equal to corresponding side and angle of other triangle first triangle key side and angle this triangle key corresponding side and angle se equal hai, then the triangles are congruent so this is definition of congruent triangle now see in a, in a figure given triangles triangles are given below here two congruent आर कॉंग्रूएंट टू ट्रायंगल एबीसी अभी ये आपका एक ट्रायंगल एबीसी ये ट्रायंगल दिया गया है और यहाँ पे ये फिगर वन फिगर टू फिगर थ्री फिगर फोर दर्शाएगी इसमें से कौन से ट्रायंगल एबीसी के साथ कॉंग्रेंट होगे आप लोग देखिए यदि हम लोग इस ट्रायंगल एबीसी जो है एबीसी को कॉंग्रेंट कौन से देखने के लिए ये जो आपका ट्रायंगल है ये पीक्यूआर सेकंड ये फिगर 1 में ये जो आपका फिगर वन में ट्रैंगल फिगर वन में ये जो ट्रैंगल है ये इसके साथ ये एक दूसरे को कवर कर सकते हैं क्या ये हम लोग चेक कर सकते हैं तो इसको सपोज मैंने थोड़ा घुमा दिया ये घुमाने के बाद दिस फिगर विल बी लुक लाइक दिस ये ये जो है पी पॉइंट ऊपर लेना है और ये आर डी नीचे ले आना तो ये फिगर को इसी तरह हमने घुमा दिया लाइक दिस तो यही फिगर है ये ट्रैंगल सेम है <laughs> अभी देखिए ये ट्राइंगल एबीसी और ये आपका ट्राइंगल पी क्यू आर अभी देखिए आपकी ए बी जितने उतने ही आपकी पी क्यू है ये आपका कौन सा ट्रायंगल है पी क्यू आर है ओके ए बी फोर पॉइंट फाइव है बाद में ए से आपका फोर सेम तो आपका पी आर भी फोर सेम करेक्ट यानी कि इक्वल है उसी तरह बी से आपका फाइव ये बी सी फाइव से तो उसी तरह आपका क्यू आर बी फाइव कि इक्वल है तो इसका मतलब करस्पॉन्डिंग साइड इक्वल होंगे और एंगल ए इज इक्वल टू एंगल आपका पी ए बी इज इक्वल टू क्यू है एंड सी इज इक्वल टू कि एंगल भी इक्वल है तो इसका मतलब ये जो पहला ट्राइंगल एबीसी आपका ये ट्राइंगल पी क्यू आर को कॉम्रंट है ओके okay? नाउ चेक फॉर सेकंड ये अब ये ट्रायंगल को हमने रोटेट कर दिया ये आपका ट्रायंगल डी एफ है उसको रोटेट कर दिया रोटेट कर दिया कि दिय। डी ट्राइंगल है आपका यी रोटेट करके इस तरह घुमा दिया उसको और इस तरह हमने किया ओके तो देखिए इस ट्राइंगल में देखिए आपका ए बी जितना है उतना ही आपका ए आपका बी सी जितना है उतना ही आपका डी है फाइव फाइव सेमी के और बाद में ये आपका ए सी जितना है उतना ही आपका ई एफ है यानी कि करस्पॉन्डिंग साइड इक्वल है और एंगल ए इज इक्वल टू आपका एंगल एफ ए बी इज इक्वल टू डी एंड सी इज इक्वल टू तो इसका मतलब क्या होगा दिस ट्राइंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रंट टू ट्रगल एफ डी को यानी कि ये को कॉन्ग्रंट है तो ये फिगर टू इस फिगर टू यानी कि ट्राइंगल डी एफ इज कॉन्ग्रेट टू ट्राइंगल ए बी सी कॉन्ग्रंट है उसी तरह ये तीसरा फिगर को हमने रोटेट कर दिया इसी तरह रोटेट कर दिया ये आपका जो है घुमा दिया उसको यम इधर आ गया ये इधर इधर आ आ गया गया और ये आर इधर आ गया उसको घुमा दिया कि इसी तरह हमने ये घुमा के इसी तरह दिखाया तो घुमाने के बाद देखिए आपको दिखाई दे रहा है कि ई बी फोर पॉइंट फाइव है आपकी एम आर भी फोर पॉइंट फाइव है यानी कि इक्वल है आपकी बी सी फाइव से तो आपकी आर्यन भी फाइव में इसका मतलब इक्वल है उसी तरह आपका ए सी फोर सेमी का है और आपका एम एन फोर सेन एम आर एन कि ये, ये ट्राइंगल तो ये फिगर थ्री भी फिगर वन को ये जो फिगर है ट्राइंगल एबीसी उसको है अभी चेक कीजिए तीसरा लास्ट वाला फिगर फोर जो है उसके साथ कांग्रेन है क्या ये आप लोग ऑब्जर्वेशन से बोलेंगे क्योंकि यहाँ पे आपकी साइड फोर पॉइंट फाइव फोर फाइव है इधर हर एक साइड फाइव फाइव ट्राइंगल है ना तो ऑब्जर्वेशन से बोल सकते दिस टू ट्रैंगल आर नॉट अंट <coughs> तो ट्राइंगल एबीसी ट्राइंगल के साथ कॉन्ग्रंट नहीं है ये जो ट्राइंगल आपका एबीसी ये ट्राइंगल एस टी यू के साथ कॉन्ग्रंट नहीं है तो इसका मतलब हमने देखा है कि ये जो ट्राइंगल आपका एबीसी ये आपका ये पहला वाला दूसरा वाला और तीसरा वाला ये तीनों ट्राइंगल के साथ कॉन्ग्रंट है सो ट्राइंगल पी क्यू आर ट्राइंगल एफ डी एंड ट्राइंगल ये एम आर एन आर कॉन्ग्रंट ट्रैंगल ए बी सी वाई ये जो ट्राइंगल आपका एस टी यू इज नॉट कॉन्ग्रंट टू ट्राइंगल ए बी सी क्यों नहीं है क्योंकि करस्पॉन्डिंग साइड इक्वल नहीं है देखा है कि ट्राइंगल एबीसी और ट्रेंगल पी क्यू आर ये एक दूसरे को कैसे है कॉन्ग्रंट है ओके वी राइट ट्रैंगल पी क्यू आर इज कॉन्ग्रंट टू ट्राइंगल एबीसी ये कांग्रंट इसी तरह लिखना है ये ये कांग्रंट का साइन है ट्राइंगल पी क्यू आर इज कॉम्रंट टू ट्रैंगल पी क्यू आर ये सिंबोलिकली uh, लैंग्वेज में इसी तरह लिखा जाता है ट्रैगल पी क्यूआर इज कॉम्रंट टू ट्राइंगल ए बी सी ये सिंबोलिक ये कॉम्ब्रंट का साइन है तो इसी तरह सिम्बोलिक लैंग्वेज में हम लोग दो ट्राइंगल कॉम्ब्रंट इसी तरह लिख सकते हैं ट्रेंगल पी क्यू आर इज कॉम्रंट टू ट्रेंगल ए बी सी ओके नोट नाउ नोट दैट ट्राइंगल ए बी सी इज कॉम्रन टू ट्राइंगल ट्रेंगल पी क्यू आर इज कॉम्रंट टू ट्राइंगल एबीसी यदि है

उसी तरह ये ए आपका ए ये पी को एग्जैक्टली exactly कवर करेगा यानी कि ए सी इज इक्वल टू पी उसी तरह थर्ड करस्पॉन्डिंग साइड है आपकी बीसी ये जो बीसी साइड है ये एग्जैक्टली exactly कवर करेगी क्यू को इसका मतलब करस्पॉन्डिंग साइड सारे इक्वल ओके सो so, इसका मतलब क्या होगा यदि ये दोनों ट्राइंगल कॉम्रंट है तो पी क्यू कवर ए बी ये जो पी क्यू है ए बी को एग्जैक्टली कवर करेंगे उसी तरह आपकी बीसी जो क्यू आर ये जो क्यू आर है ये बी को एग्जैक्टली कवर करेंगे और ये पी आर जो है वो ए सी को एग्जैक्टली कवर करेंगे यानी कि इक्वल है उसी तरह एंगल पी आपका एंगल ये जो पी है ये एंगल ए को एग्जैक्टली कवर करेगा एंगल क्यू जो है बी को एग्जैक्टली कवर करेगा एंगल आर जो है एंगल सी को एक्सैक्टली exactly कवर करेगा यदि दो ट्राइंगल कॉन्ग्रो तो exactly करेंगे और उनके एंगल बी exactly करेंगे ऑल्सो देर इज अ वन वन करस्पॉन्डेंस बिटवीन वर्टाइसिस उसी तरह वर्टाइस में वन वन करस्पॉन्डेंस होगा क्या होगा ये ए का करस्पॉन्डिंग ये जो आपका वर्टेक्स ए उसका करस्पॉन्डिंग वर्टेक्स आपका पी होगा ओके okay?

तो यहाँ पे ये दूसरा ट्राइंगल का पहला लेटर जो उसका करेस्पोंडिंग वर्टेक्स आना चाहिए पी का कौन सा ये इसलिए ये पहला लेटर आपका ये आना चाहिए यदि हम लोग एक ही जगह बी और सी लेते तो गलत होगा दूसरा आपका लेटर क्यू है पी क्यू आर में क्यू है तो क्यू का करेस्पॉन्डिंग बी है इसलिए दूसरा लेटर आपका क्या होना चाहिए बी होना चाहिए ओके अभी ये दोनों ट्राइंगल में पी का करेस्पॉन्डिंग वर्टेस आपका ये इसलिए पहला लेटर आपका ये करेस्पॉन्डिंग वर्टेक्स बी है या फिर क्यू बीच में तो इसलिए बी बीच में आएगा तो का सॉरी आर uh, है याद आप लोग रखना है तो दैट्स वाई ट्राइंगल पी क्यू आर इज कॉन्ग्राइंगल बी सी ट्राइंगल पी क्यू आर इज कॉन्ग्रंट टू ट्राइंगल यदि आप लोग क्यू आर सी क्यू आर पी यदि लिखते तो गलत होगा ट्रायंगल क्यू आर पी यदि आप लोग ये कांग्रेस पी क्यू आर इस ये अब फिर से बोल रहा हूं मैं ये यदि हम लोग ट्रायंगल पी क्यू आर टू ट्रायंगल बी सी ए यदि हम ऐसी ऑर्डर में लिखते हैं तो ये करेस्पोंडेंट के अनुसार ये करेस्पॉन्ड के अनुसार ये गलत होगा तो ये जो कांग्रेन सिम्बोलिकल लैंग्वेज में हम लिखते हैं वो लिखते समय ध्यान में रखना है कि पहला ट्रायंगल में वर्टेक्स पी है तो दूसरे ट्रायंगल में ये पहला वर्टेक्स जो उसका वर्टेक्स आना चाहिए और पी का ये था, पहला लेटर ये होना चाहिए। okay. Q है तो दोनों फिगर में बी है तो इसलिए दूसरा लेटर बी होना चाहिए उसी तरह आर का करस्पॉन्डिंग सी तो इसी तरह ये कांग्रेस का सिंबोलिकली लैंग्वेज में लिखना आप लोग ध्यान में रखना है बट इट विल नॉट करेक्ट टू राइट ये करेक्ट नहीं है ट्राइंगल क्यू प्यूआर इज कॉमरल टू ट्राइंगल एबीसी ये इसी तरह लिखना गलत है ये रॉन्ग है ओके तो आप लोग ये आप लोग ध्यान से रखना है देखिए फिर से बोल रहा हूं मैं ये फिगर देखिए ए पहला जो ABC उसको एग्जैक्टली exactly कवर किया है नॉट अगेन सी ट्राइंगल पी क्यू आर जो है उसने ट्राइंगल एबीसी को एग्जैक्टली exactly कवर किया है

एफ डी ई एफ एफ का करस्पॉन्डिंग वर्ड साफ पे इसलिए पहला लेटर ए डी डी का करस्पॉन्डिंग आपका बी ए इसलिए दूसरा लेटर बी बाद में ई ई का करस्पॉन्डिंग वर्ड आपका क्या है सी ए इसलिए तीसरा लेटर सी तो इसी तरह ये कांग्रेंस लिखना है यदि आप लोग ऑर्डर उल्टा पुलटा लिखते हैं तो वो गलत होगा सो बट देर फोर ट्राइंगल एफ डी इज कांग्रेंट टू ट्राइंगल एबीसी बट राइट ट्रैंगल डी एफ इज कॉन्ग्रंट टू ट्राइंगल यदि हम लोग इसी तरह लिखते तो वो क्या होगा गलत होगा रॉन्ग होगा इट इज नॉट अ करेक्ट ओके तो ये कांग्रेस लिखना आप लोग ध्यान में रखना है नोट इन अ अंग्रंट ट्राइंगल करस्पोंडिंग पार्ट आर इक्वल कांग्रेट ट्राइंगल में क्या होता है करस्पॉन्डिंग पार्ट इक्वल होते हैं यदि दो ट्राइंगल या कोई भी दो फिगर इक्वल है तो उसके करस्पॉन्डिंग पार्ट इक्वल होते जैसे कि अभी हमने देखा था कि ये जो ट्रैंगल है ओके uh, okay, फिर से मिनट वेट हाँ इस ये दोनों फिगर में हमने देखा था कि ये ट्राइंगल एबीसी और ट्राइंगल ईएफडी ये देखिए ये नीचे वाला जो ट्राइंगल है डीएफ

BC इज इक्वल आपका D होगा एंड AC सी इज इक्वल टू होगा तो करिस्पॉन्डिंग साइड होते यदि दो ट्राइंगलट है तरह यदि दो congruent है तो उनके करिस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होते हैं एंगल इक्वल टू आपका एंगल एफ होगा एंगल बी इज इक्वल टू आपका एंगल डी होगा एंड एंगल सी इज इक्वल टू एंगल ई होगा उसके हैं यदि दो ट्राइंगल इक्वल है तो उनके करस्पॉन्डिंग एंगल एंड करस्पॉन्डिंग साइड इक्वल होती है तो इसको बोलते हैं करस्पोन्डिंग सीपी इन अ अंग्रंट तो तो ट्रैंगल इन अ कॉन्ग्रंट ट्राइंगल करस्पोंडिंग पार्ट आर इक्वल कॉन्ग्रंट ट्राइंगल में उनके करस्पॉन्डिंग पार्ट यानी कि करस्पोंडिंग साइड एंड करस्पोंडिंग एंगल इक्वल होते हैं एंड वी राइट द शॉर्ट सीपीसीटी फॉर सीपीसीटी हम लोग यूज करेंगे किसके लिए करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कांग्रेन ट्राइंगल करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रंट ट्राइंगल ये जो लॉन्ग फॉर्म है वो हम लोग उसका शॉर्ट फॉर्म में सीपीसीडिंगल तो करस्पॉन्डिंग ऑफ कॉन्ग्रंट ट्राइंगल के लिए हम लोग शॉर्ट uh, फॉर्म आगे चल के हम लोग ये यूज करने वाले सीपीसी okay? तो ये आप लोग ध्यान में रखना है सीपीसी का मतलब होता है करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रंट ट्राइंगल और कॉम्रंट ट्राइंगल के करिस्पॉन्डिंग पार्ट कैसे होते हैं इक्वल होते हैं ये आप लोग ध्यान में रखना है सपोज कोई भी दो ट्राइंगल दिया गया सपोज ये एक ट्राइंगल है पी क्यू आर ओके ये दूसरा ट्राइंगल है एक्स वाई जेड एक्स वाई जेड ये दोनों एक दूसरे को कांग्रेन है तो कॉम्रंट है तो उनके करिस्पॉन्डिंग साइड इक्वल होगी यानी कि पी क्यू इज इक्वल टू आपकी एक्स वाई होगी दिस क्यू आर इज इक्वल टू वाई जेड and this PR is equal to XZ okay any corresponding side are equal and angle P is equal to angle X this angle Q is equal to angle Y and this angle R is equal to angle Z okay then these two triangles are congruent so friends I think you if you have any doubt then you can contact me on my whatsapp number 94 Two zero four three nine seven eight four. Okay, friends, have a good day. Goodbye.